हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में देखेंगे भिन्न का जोड़ घटाओ गुणा भाग एक साथ अगर इस टाइप से क्वेश्चन दिया हो तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें गुणा और भाग करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है गुणा और भाग इसमें भी करना, ये वाला क्वेश्चन है जिसमें गुणा भाग और जोड़ एक साथ करना है। तो चलिए देखते हैं कि भिन्न का गुणा भाग जोड़ घटाओ एक साथ कैसे सॉल्व किया जाता है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन दिया है 2/3 गुणा 5/4 भाग करना है 5/6 से प्लस 2/7। चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। 2/3 गुणा 5/4 भाग करना है 5/6 से। तो क्या करते हैं हम, जहाँ पे डिवाइड होता है वहाँ मल्टीप्लाई बना लेते हैं जिससे कि कैलकुलेशन आसान हो जाए। इस भाग को हम गुणा बना लिए तो जैसे ही गुणा बनाएंगे इसके आगे वाली संख्या क्या होती है, पलट जाती है। मतलब अंश जो होता है हर की जगह पर, हर जो होता है अंश की जगह पर। तो ये हो जाएगा 5/6 है तो ये हो जाएगा 6/5, फिर प्लस 2/7। अब क्या करेंगे, बोर्ड मार्क्स रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई, तो इसमें मल्टीप्लाई है क्योंकि डिवाइड को मैंने मल्टीप्लाई बना लिया, तो सबसे पहले मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे। तो इसको जो कटने वाला होगा काट देंगे, 3 × 3, 3 × 6 और 5 से 5 कट जाएगा और 2 × 4। अब यहाँ से बचेगा कितना, ये 2/2 बचा, 2/2 प्लस 2/7। अब क्या करेंगे, इनका नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम निकालेंगे। तो 7 और 2 का एलसीएम कितना आएगा, 14 आएगा, और ऊपर में क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 7 × 14 प्लस 2 × 4 बराबर ये हो जाएगा 18। 14 × 4 = 18/14। इसको और छोटा कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे तो 2 से काटेंगे, 2 × 9 = 18, 2 × 7 = 14, यानी कि ये हमारा का 9/7 आएगा। यही हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन 3/5 × 6/8 डिवाइड 20/12। चलिए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। 3/5 गुणा 6/8, और यहाँ पे डिवाइड है तो इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बना लेंगे। और जैसे ही मल्टीप्लाई बनाएंगे तो इसकी अगली संख्या जैसे 20/12 है, अंश जो है हर की जगह पे, हर अंश की जगह पे 20/12 है, तो ये हो जाएगा 12/20। अब इसको कर लेंगे सॉल्व, जो सॉल्व होने वाला होगा। तो 2 × 2 = 6 और 2 × 10 = 12, फिर 2 से काटेंगे, 2 × 5 = 10, 2 × 6 = 12। तो ऊपर में बचेगा 3 × 3 × 6, नीचे में बचेगा 5 × 8 × 5। 2 से काटेंगे, 2 × 3 = 6, 2 × 6 = 8, और कुछ नहीं कटेगा। तो 3 × 3 = 9, 27 हो जाएगा, और 5 × 5 = 25, 5 × 5 = 25 × 100, सॉरी यही हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये दिया 17/1 × 13/2 भाग करना है 9/3, फिर -2/3। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले लिख लेंगे 17/1 × 13/2, यहाँ पे भाग का चिन्ह है तो हम इसको गुणा का चिन्ह बना लेंगे। जैसे गुणा का चिन्ह बनाएंगे तो ये संख्या पलट जाएगी, अंश हर की जगह पे और हर अंश की जगह पे। तो ये 9/3 है तो ये हो जाएगा 3/9, फिर माइनस में 2/3 है। अब ये गुणा में जो संख्या है इनको हम सॉल्व कर लेंगे। तो 3 × 3, 3 × 3 = 9, ऊपर में बचेगा 17 × 13, 17 × 13 = 91, 13 × 13 13 × 17 करेंगे तो ये हो जाएगा 221, और नीचे में बचेगा 3 × 6, और माइनस में कितना है 2/3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, नीचे वाली संख्या का एलसीएम निकाल लेंगे। 6 और 3 का एलसीएम कितना आएगा, तो ये 6 आएगा, फिर इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस कर देंगे। तो 221 का 3 में गुणा करेंगे तो 2 × 3 = 6, 621 = 63, −2 × 6 = 12। तो इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 2 से 3 से 2 = 1, 1 × 5 और ये 6, 651/6। मिक्स फ्रैक्शन में आएगा, आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, मिक्स फ्रैक्शन में आ जाएगा। तो यही हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर।
दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।